स्पिष्ट कृते आहुति ओम यदस्य कर्मण्यो तैरिचं यद्वानियो नमिहाकरम अग्निश्चस्विष्टकृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम मौनाहुति ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम बोलेंगे भरत जी ओम सत्वाहने परिददातु परिददातु अहस्त्वा अहस्त्वा रात्र्यै रात्र्यै परिददातु परिददातु रात्रिस्त्वा रात्रिस्त्वा अहो रात्राभ्यां परिददातु परिददातु अहो रात्रौ त्वा त्वा अर्धमासेभ्यः अर्धमासेभ्यः परिदत्तां परिदत्तां अर्धमासास्त्वा अर्धमासास्त्वा मासेभ्यः मासेभ्यः परिदधतु परिदधतु मासास्तु मासास्तु ऋतुभ्यः ऋतुभ्यः परिदधतु परिदधतु ऋतवस्त्वा ऋतवस्त्वा संवत्सराय संवत्सराय परिदधतु परिदधतु संवत्सरः संवत्सरः त्वायुषे त्वायुषे जरायै जरायै परिदधतु परिदधतु कृष्ण कृष्ण ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सभी महापुरुष यहीं से पुष्प वर्षा से आशीर्वाद दे देंगे सभी लोग उच्चारण करेंगे बोलिए हे बालक त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान श्रीमान भूयाह भूयाह ओम ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो अधिपतिर्दधातु बेटी स्नेहा और भरत जी इन्होंने तपस्या की है बहुत और आज बच्चे का नामकरण पर आशीष दे रहे हैं पूज्य बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर से परम पूजनीय योग ऋषि विश्वविख्यात स्वामी रामदेव जी महाराज परम सम्मान जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज अध्यक्ष भारत माता मंदिर तथा समन्वय सच मंच पर विराजमान समस्त पूज्य परम सम्माननीय आचार्य बालकृष्ण जी परम सम्माननीय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज बलराम जी के पूरे परिवार के सब लोग सब सदस्यगण इतने अतिथिगण विद्वतगण ब्रह्मचारिणी बहनों जिसका नामकरण नहीं हुआ उससे पहले इतना आकर्षण हो गया कि सब लोग एकत्र हो गए कृष्ण आशीष तो बाद में नाम आया पर कृष्ण ने पहले ही सबको बुला लिया ये कितने बड़े आश्चर्य की बात पूरी संस्कृति में एक बड़े आश्चर्य की बात है या तो कहीं राम होंगे या कहीं कृष्ण होंगे हम लोग निराकार ब्रह्म को मानने वाले भी राम के उस रूप का निरंतर ध्यान करते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते हैं त्रैलोक सुपासी राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा वहाँ जरा भी मोह नहीं है इसलिए उस निराकार ब्रह्म को अपनी छोटी बुद्धि के कारण हम साकार बना लेते हैं लेकिन वो व्यापक है इसी तरह से सारे संसार में जहाँ जहाँ आकर्षण है वो सब कृष्ण का तत्व है ईश्वरीय आकर्षण संसार में सबके भीतर है क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ
ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से धुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। इसलिए कृष्ण केवल वृंदावन का कृष्ण नहीं है, द्वारिका का कृष्ण नहीं है, वो तो हम लोगों के लिए मानव जीवन में आकर उन्होंने जो आदर्श रखे उनके कारण हम सब लोग उनको बहुत पूज्य मानते हैं। और अरण्य में हरदम गीता गाई गई, उपनिषद गाए गए, जहाँ कोई रण होता ही नहीं वहाँ अरण्य में बोलने में क्या तकलीफ है। इसलिए जितने ग्रंथ हुए हमारे प्राचीन वो सब अरण्य में हुए, बिल्कुल एकांत में शांत वातावरण। एक व्यक्ति कहता था मुझे कभी क्रोध नहीं आता, मैंने उससे पूछा आप कितने लोगों के बीच में रहते हैं, बोलते मैं तो एकांत में रहता हूँ। जब आप एकांत में रहते ही हैं तो क्रोध किस पे करेंगे। तो जितने हमारे ग्रंथ हुए अरण्य में हुए, कृष्ण की महिमा इसलिए है कि उन्होंने रण में भगवद गीता दिलाई। युद्ध का मैदान हिंसा प्रदान करता है, प्रतिशोध की भावना प्रदान करता है। मेरी भारत माता तू धन्य है कि तूने रण के भीतर से अध्यात्म की सरिता बहाई और जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विश्व में विख्यात हुई। इस समय प्रवचन करने का कोई क्रम नहीं, लेकिन नामकरण संस्कार के अवसर पर, क्यों नाम ऐसा है इसलिए मैं कृष्णाशीष जी को आशीर्वाद भी देता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण का आशीष का अवतरण इन संतों के द्वारा हुआ है। जितने समागत संत हैं सबके चरणों में प्रणाम, सब भक्तों को प्रणाम। आजकल मैं केवल दो ही काम करता हूँ, या तो लेता हूँ भगवान का नाम और या खाली जपता हूँ ईश्वर का नाम। तो इसलिए मेरे पास दो ही वस्तुएं रह गई और सबको करता हूँ प्रणाम। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि मैं राम जी का भगत हूँ, सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। इसलिए मेरे न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अभिजात्य वर्ग का न कोई दलित, सब हमारे लिए सिया राम। जितनी बहनें जितने संसार की वो सीता के रूप में हैं, आप जितने विराजमान सब मेरे राम के रूप में हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे आमंत्रित किया पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने, और जिनके द्वारा ये आज होते हैं श्री भरतराम जी ने, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आशीर्वाद देने का अधिकार तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि मेरे नाम के साथ आशीष जुड़ा ही नहीं। इसलिए आशीर्वाद देना वो तो बड़े महात्माओं का काम है भाई, जिनका बहुत नाम है। मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूँ, इसलिए आशीर्वाद देता नहीं, केवल शुभकामना देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं कई बार सुन ली जाती हैं, इसलिए लोग समाज मेरा आदर भी करने लगते हैं। उतना आदर नहीं हूँ नहीं, पर लोगों के मन में भगवान बैठ जाते हैं, बोलते हैं बाबा ठीक है और बाबों से, और बाबा तो बहुत तकलीफ दे रहे हैं, उनकी बात नहीं करूँ। बोलो सिया वर रामचंद्र की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वैदिक धर्म की, वेद धर्म की, समस्त वेदों की, समस्त शास्त्रों की, समस्त आचार्यों की, समस्त उपाध्याय वृंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पतंजलि योगपीठ के प्राण हमारे प्रिय स्वामी जी और पतंजलि योगपीठ की शान हमारे प्रिय आचार्य श्री और सभी संत महानुभावों को, और विशेष करके आज के इस यज्ञ के यजमान प्रिय भैया भरत को और उनकी सहधर्मिणी स्नेहा जी को और समस्त परिवार को, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी भाई बहनों को, सबको इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित देख करके हमारा हृदय बड़े आह्लाद से पुलकित हो रहा है। ये जो नाम इनका रखा है हम सब ने मिलकर के, ये महाभारत के योगेश्वर का स्मरण दिला रहा है, और हम चाहते हैं कि इतिहास का ये पृष्ठ फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त हो। योगेश्वर कृष्ण की दृष्टि और स्थिति दोनों इनमें अवतरित हो जाए, और इसके लिए हम सब अभी से इसके लिए प्रयास करें। और बहन स्नेहा ने
और भरत जी ने इस गर्भ काल में ही यज्ञ और सत्संग से इस बालक का पालन पोषण किया और निरंतर अपने अंदर वो दिव्य भाव जगाए हैं। इसके भीतर उस सत्य को अवतरण करने के लिए ये बहुत बहुत एक सुयोग है श्री स्वामी जी महाराज की प्रेरणा, और इन्होंने उसको स्वीकार किया और एक प्रकार से उन्हीं की प्रेरणा से पतंजलि योगपीठ के लिए इस बच्चे को जैसा उन्होंने निर्देश दिया वैसा तैयार किया है। और अब आगे की ओर भी इसके लिए जो आवश्यक जो इसका ज्ञान बुद्धि और इसके निर्माण के लिए साधन सामग्री है वो हम सबको जुटानी चाहिए। भगवान हम सबको शक्ति दे कि हम इस कार्य को करने के लिए जैसे उत्साह से आज हम सब एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से हमारे सबके मन में प्रेम और इस बालक के लिए और इस परिवार के लिए जैसे हृदय के शुभ भाव उमड़ रहे हैं, ये भावधारा निरंतर बहती रहे और हम अपने इस बालक को सुंदर से सुंदरतम जो हम कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ कसर ना छोड़ें, इसके बुद्धि के निर्माण में, इसकी भाव शक्ति के निर्माण में और इसकी कर्म शक्ति, तीनों शक्तियों के निर्माण में पूरा हमारा एक प्रयास रहे। ये बालक समत्व में स्थित होकर के, और जैसे कि योगेश्वर ने हमें संदेश दिया है भगवती गीता के माध्यम से एक एक वचन, कि ये महापुरुषार्थ के साथ अपने जीवन को जिए और लाभ और अलाभ, जय और पराजय और सभी परिस्थितियों में योगेश्वर की तरह समत्व में स्थित रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं और अपने हृदय के प्रेम के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम वैदिक धर्म की जय, वेद माता की जय, समस्त श्रेष्ठ पुरुषों की जय और संसार के सभी ऋषि मुनियों की जय। ओम नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम और श्रद्धेय आचार्य श्री, जो दो शब्द आशीर्वाद के। भाई भरत जी और बहन सुनेहा जी के पुत्र के आज जन नामकरण के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धेय, हम सब के लिए आदर्श भारतीय संस्कृति परंपरा के मूल्य के जो आदर्श हैं, इस हरिद्वार जो आध्यात्मिक नगरी है, इस नगरी की आप सबकी उपस्थिति से, आप सबके दर्शन से शोभा है। ऐसे सभी महापुरुष यहाँ पर हैं, आप सबके चरणों में नमन और वंदन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बच्चे के लिए और बाकी जितने भी लोग हैं सबके मन में एक भाव है कि जितने भी महापुरुष हैं उनके जो भी शुभ भाव हैं, शुभाशीष है उस बच्चे को लगे और सच में ही वह कृष्णाशीष बन करके इस देश के लिए, समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और वैदिक परंपरा के लिए कुछ बड़ा कर सके, यही शुभकामना है। और हमारी ओर से भी पूरे परिवार के लिए, और उनके भगवान और शक्ति दें, सामर्थ्य दें, जिससे कि राष्ट्र सेवा के कार्य को भाई भरत जी जो निर्वहन कर रहे हैं और भी शक्ति से निर्वाह कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हो और हमारे बीच में यूँ तो हरिद्वार के बहुत श्रेष्ठ वरिष्ठ महापुरुष हैं, उनमें पूज्य हरिचित्रण जी महाराज, जिनका एक अनन्य प्रेम है हम सब के प्रति, वो भी इस बालक को अपने आशीषों से अनुग्रहित। परम पूज्य योग गुरु बाबा रामदेव जी, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी, पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी, आयुर्वेद के जनक पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, सभी पूज्य संत, आज भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं
उन 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार की विधि बहुत बार हम लोगों ने सुनाई और आज जो यहाँ शास्त्रीय रूप से नामकरण संस्कार की विधि देखने को मिली, अमूर्त जो मूर्त रूप में यहाँ देखने को मिला, क्योंकि सभी वैदिक आचार्य यहाँ विराजमान हैं, मैं दो तीन बातें इस अवसर पर कहना चाहूँगा। हमारे सनातन हमारी भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार है और ये नामकरण संस्कार 11वें दिन होता है। इसमें पांच चीज़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि आप सब लोग अवढ़ा चक्र को भी जानने वाले यहाँ बैठे हैं। आचार्य प्रद्युम्न जी तो रोज़ आपको अभ्यास कराते हैं और उसमें जैसे पूज्य रामदेव जी ने भी बीच में मंच से कहा था, इसमें तिथि बारम च नक्षत्रम योगा करण मेव च, तिथि बार नक्षत्र और योग करण का बहुत बड़ा महत्व है। अब संस्कारों का असर मन पर और बुद्धि पर बहुत पड़ता है और इस बात को पूज्य महाराज जी भी जानते हैं, रामदेव जी महाराज, इसलिए उन्होंने गर्भस्थ शिशु, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, गर्भस्थ शिशु को संस्कार, हमारे यहाँ शिशु वेद भी है, आप कभी अष्टावक्र को गुरुकुल में जब आचार्य वेदों का अध्ययन करा रहे थे, जब उस प्रसंग में आप जाएंगे तो वहाँ सारा मिलेगा। मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ, नामकरण संस्कार बहुत प्रामाणिक है, ये त्रेता में भी हुआ, ये द्वापर में भी हुआ और कलयुग में ये कम हो रहा है। कलयुग में लोग क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है और वहीं उसका नाम रख देते हैं और दादी नाम रखे तो बहू को पसंद नहीं आता है, सास नाम रखे बहू को पसंद नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नामकरण की विधि में देखिए, आप जब भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ तो वहाँ आचार्य के रूप में वशिष्ठ जी थे और जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ तो वहाँ आचार्य के रूप में गर्गाचार्य जी थे। एक श्लोक है, कभी आप देखें उसको, गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वहाँ एक गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करा रहे थे। नामकरण संस्कार में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आस्था के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूँ, पतंजलि योगपीठ इस समय बहुत कुछ दे रही है, आचार्य कुलम से बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और यहाँ से संस्कारों की भी गंगा बह रही है, ये बहुत जरूरी है। अगर संस्कार में विधि ना हो तो बाद में बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए विधि की आवश्यकता है। आप देखो, इसमें एक तो गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है, इसमें गोघृत की आवश्यकता पड़ती है। नामकरण संस्कार में, नामकरण संस्कार कोई विनोद नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, यहीं से जीवन की यात्रा शुरू होती है और नामकरण संस्कार में कोई 10-20 मिनट का समय नहीं चाहिए। गर्गाचार्य जी ने प्रमाणिक रूप से कहा था कि नामकरण संस्कार में 8-10 घंटे का समय लगता है और ये नामकरण संस्कार गौशाला में होगा और तुम मेहमानों को बुलाओगे, मेहमान आएंगे तो फिर विधि नहीं होगी और यहाँ देखो सारा विधि से काम हो रहा है। और उपनिषद में विधि का एक अर्थ कर्म से भी है, विधि का अर्थ कर्म से भी है। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार कराया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो गर्भ संकर्षणात्तम भई प्राहु संकर्षणम भुवि, जो रोहिणी की गोद में बैठा है उसका नाम मैं रखता हूँ बलभद्र, उसका नाम मैं रखता हूँ अब हलधर, उसका नाम मैं रखता हूँ बलराम, और जो यशोदा की गोद में बैठा हुआ है, ये तो हर रंग जन्म में हर युग में अपना रंग परिवर्तित करता है, सतयुग में इसका श्वेत वर्ण था, त्रेता में रक्त था और इस समय द्वापर में ये मेघ श्याम बन करके आया है। हम पूज्य रामदेव जी आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि आप इस चर्चा को, ये चर्चा घर घर में होनी चाहिए क्योंकि इस चर्चा से ही जीवन का निर्माण होता है। तो वहाँ गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण संस्कार करने लगे तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो यशोदा की गोद में बैठा है, सतयुग में इसका श्वेत वर्ण था, त्रेता में रक्त और इस समय ये द्वापर में मेघ श्याम बन के आया है। एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, गोपियाँ घर में आई थी और गोपियों ने यशोदा को कहा था कि आचार्य को बुलाने की क्या जरूरत है, आचार्य को बुलाने की जरूरत नहीं, हम ही इसका नामकरण संस्कार कर देती हैं। लेकिन उस समय यशोदा ने कहा था कि नहीं, मैं गर्गाचार्य से ही
आचार्य से ही नामकरण संस्कार कराऊंगी। और ये इस देश की मैं आर्य नारियों को कहना चाहता हूं, उनको आज ये कोशिश करना चाहिए कि हम बिना गौ और ब्राह्मण के कोई काम ना करें, बिना आचार्य के हम कोई काम ना करें और आचार्य की सन्निधि में काम करें। बालक का नाम मैं रखता हूं। बोले क्या नाम? बोले इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। रामदेव जी महाराज आपको साधुवाद। आज ऐसा लगता है आप भी ज्योतिषी हैं, क्योंकि आपने ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि अश्विनी भरणी कृतिका पादी मेख, आप सब लोग जानते हैं अश्विनी के चार, भरणी के चार और कृतिका का एक, नौ चरणों इसकी एक राशि बनती है जिस राशि का चंद्रमा होता है और उसी के अनुसार नाम निकाला जाता है और किस उसमें वो पैदा हुआ है। आज कृष्णा शीष के नामकरण संस्कार के अवसर पर और यहाँ जो ये समारोह हो रहा है, ये समारोह भी एक वैदिक समारोह है और इस समारोह में आप सबकी उपस्थिति और ये विधि आप घर घर तक पहुँचाएं। हम सभी पूज्य आचार्यों को बहुत साधुवाद देते हैं, क्योंकि ये बातें लोगों तक पहुँचानी बहुत जरूरी हैं। इसी से ही भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी, आप और हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा ये देश सुरक्षित रहेगा। ओम परम श्रद्धे पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य हरीश चेतनानंद जी महाराज जी ने आशीष दी कृष्णाशीष को। और महाराज जी इस बिटिया ने गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन और फिर उसके बाद जातकर्म ये सारे संस्कार किए, तो जो हमारी 16 संस्कारों की परंपरा है, खुद ये गुरुकुल की पढ़ी हुई है और अब ये शास्त्री हैं और MA करके अब डॉक्टर बन गई है, तो ये उस परंपरा को मैं पढ़ी है और उसको जीती है। चार वेदों का यज्ञ किया इसने गर्भावस्था में ही, 11 उपनिषद और गीता आदि का नित्य प्रति स्वाध्याय और ओंकार गायत्री का जप और प्राणायाम किया। तो जैसे ऋषियों का विधान है वैसे ही इसने अपने उस धर्म का निर्वहन किया और भरत जी ने इनका सहयोग किया, पूज्य माता जी ने उनको आशीष दिए, आश्रय दिया और पूज्य महाराज श्री का अब आशीर्वाद प्राप्त हो, जो हमारी इस संन्यास परंपरा के गौरव हैं, हमारी ऋषि परंपरा, ऋषि सत्ता गुरु सत्ता के जो वर्तमान हैं, ऐसे हमारे जीवना पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कृष्णाशीष को आशीष की अपेक्षा करें। अत्यंत प्रसन्नता प्रदान कर देने वाले काल में हम सब बैठे हैं। पतंजलि योगपीठ को जिनकी विद्या विचार वैदुष्य और आशीष अनुग्रह निरंतर प्राप्त हैं, ऐसे आदरणीय आचार्य प्रद्युम्न जी पूरे देश भर के वे ब्रह्मचारी जो मुझे प्राय इधर उधर मिलते रहते हैं और पतंजलि में आने को उत्सुक हैं अथवा पूरे संसार में जो सनातन वैदिक संवेदनाएं सुप्त थीं और उन सुप्त संवेदनाओं को जिसने जागृत किया है, ऐसे योग ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबके अत्यंत प्रिय। और पतंजलि योगपीठ के मेरुदंड उसके सुषमणा आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, अभी अभी मंच पर आए आदरणीय ब्रह्मचारी स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे पूज्य महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, वंदनीय संत यतिवृंद, इस अवसर पर राम भरत, उनके गृह लक्ष्मी स्नेहा, वंदनीय मातुश्री, राम भरत जी और पूज्य योग ऋषि जी महाराज के अग्रज, उनके परिजन पुरजन बंधु बांधव और इस अवसर पर आप सब के साथ बैठकर मैं आनंदित हूँ। बहुत नींद कुछ कहना है मुझसे पूर्व में बहुत कुछ कहा जा चुका है। कृष्ण कृष्ण धातु से बना है और उसका अर्थ है आकर्षण, और एक ऐसा आकर्षण जिसमें न केवल सम्मोहन विमोहन हो बल्कि ऐसा आकर्षण जिसमें आनंद भी है। तो इस कृष्ण को हम देखें तो इसमें कृष्ण में कृष्ण जो कृष्ण धातु से बनाए कृष्ण, उसमें आकर्षण और जो ण है वो आनंदवाचक है कृष्ण, तो एक ऐसा आकर्षण जिसमें आनंद भी है।
तो पूज्य प्रद्युम्न जी महाराज आचार्य जी ने ठीक ही कहा कि उसे वैसी विद्या बुद्धि चातुर्य विवेक साहस शक्ति विभूति ऊर्जा मिले जिससे कि वह नेतृत्व तो कर सके। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये बात कहते हुए और इस समय मेरा मन बड़े विश्वास से भरा हुआ है कि जिस कृष्णाशीष को हम सब शुभकामनाएं देने आए हैं वह भारत की विभूति बने और उसके पास में वो भारत को नेतृत्व तो दे सके, उसके पास में वैसा वर्चस्व वैसी विभूति और इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य, उसके पास में वैसी शुभता और वैसी दैवीय ऊर्जा जागृत हो सके जिससे कि वो राष्ट्र के कल्याण के लिए विश्व मंगल के लिए एक अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सके। इस अवसर पर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रिय नवजात शिशु कृष्णाशीष को भगवान वैसी सामर्थ्य दें जिससे कि वह इस देश की संस्कृति सभ्यता संवेदना संवेदनाओं की अभिरक्षा कर सके और उसकी एक बड़ी भूमिका बने लोक मंगल के लिए विश्व मंगल के लिए। ऐसी बहुत सी शुभकामनाओं के साथ उसे बहुत बहुत आशीष और यशस्वी भव तेजस्वी भव ऊर्जावान भव शुभ मस्तु मंगल मस्तु कल्याण मस्तु श्री रस्तु शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु हरि ही ओम। पूज्य महाराज श्री के आशीष में सबका आशीष समाहित है। पूज्य हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज जी का, पूज्य कैलासानंद जी महाराज जी का और सब मंच पर विराजमान सब महापुरुषों का आशीष प्रत्यक्ष रूप से इस शिशु को प्राप्त है। गुरुकुल के हमारे यशस्वी सभी आचार्यगण आचार्यगण हमारी सब वरिष्ठ बहनें और सब वरिष्ठों का आशीष, सब महापुरुषों का बड़ों का आशीर्वाद इस कृष्ण आशीष को आज प्राप्त हुआ है। और पूज्य माता श्री जिनके आश्रय में हम सब पले हैं उनका आशीष इसको निरंतर प्राप्त है। और हमारी जो है बड़ी गुरु माँ पूज्य माता मूर्ति देवी उनका भी आशीर्वाद इस शिशु को प्राप्त हुआ ऐसे। और सभी जो यहाँ पर विद्वान महापुरुष उपस्थित हैं उन सब की ओर से इस बालक को आशीष और आदरणीय डॉक्टर यशदेव सहित सब परिजनों का इसको आशीष मिला है। और हमारे जोगेंद्र जज साहब आदि का एक बार सब की ओर से पुनः इस बालक को शुभकामनाएं और आशीष की प्रेरणा के साथ अभी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ही सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। प्रणव ध्वनि ओम।